आप कभी दिल्ली में आएंगे तो मैं आपको एक कप चाय भी नहीं पिला सकता, मैं ओपनली कह रहा हूं। इसलिए मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस युद्ध में जो कुछ जीत करके हम आगे भी लाते हैं, लोगों की उदासीनता, लोगों का सोना, कभी कभी ये मायूस करता है हमको कि हम इस लड़ाई के लिए भी आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, न किसी पर एहसान करते हैं। लेकिन इस संचार क्रांति के दौर में आपके पास तमाम चीजों के लिए समय है, लेकिन आपके और भारत राष्ट्र के लिए इतना बड़ा फैसला कराने में हमारी जान निकल गई है, लेकिन आपको उस फैसले के बारे में तक नहीं पता। और उस फैसले, ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 साल में नहीं दिया, वो दे दिया फैसला। अब हम उस फैसले को जाने भी और जन जन तक पहुंचाएं, हम पे थोड़ा रहम कीजिए, हम पे थोड़ा तरस खाइए भाई। ये इसलिए कह रहा हूं कि इससे ज्यादा और शब्दों में नहीं कह सकता। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस अरुण मिश्रा जी, जस्टिस अमिताभ राय साहब, इतना बड़ा फैसला दिया है, लेकिन उसकी 90% लड़ाई मुझे और आपको लड़नी है। फैसला यह दिया है कि विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में खड़े होकर के कहा कि सर, माय लॉर्ड, देश के स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, सड़क हो, एक्सप्रेसवे हो, जितनी भी सार्वजनिक जगह हैं इस देश में, हर सार्वजनिक जगह के ऊपर मस्जिदें बनी हुई हैं, मजारें बनी हुई हैं और बेतहाशा बनी हुई है, सड़कों के बीचों बीच में पीर बाबा मर गए हैं, कहीं स्टेशन पे मर गए हैं, कहीं छत पे मर गए हैं, यानी फ्लाईओवर तक पे भी पीर बाबा मरे हैं। ये भारत के सार्वजनिक और सरकारी जमीन के ऊपर एक जिहाद चल रहा है ताकि कोई भी इनके खिलाफ ना बोल सके। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने हमारी पिटीशन को सुना और लंबी चौड़ी बहस नहीं की, हमारे सामर्थ्य के और हमारी जितनी ताकत थी, आप सोचिए कि हम किन किन चीजों से घिरे हुए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ मजार है, वहाँ मजार है, इसका डॉक्यूमेंटेशन करने में हमने जितनी ताकत लग सकती थी लगाई, लेकिन हमारे पास ना इतना पैसा है कि हम देश में घूम घूम के यही काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और फैसला क्या कहा है, उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा, इसमें अब कोई नया एंगल नहीं हो सकता। 2018 में माननीय जज साहब जस्टिस अरुण मिश्रा जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अमिताभ राय साहब ने यह कहा है कि राज्य सरकारें पूरे देश में अपने अपने स्टेट में जहां भी सरकारी जमीन पर इल्लीगल स्ट्रक्चर बने हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से डिमोलिश करें और इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करें। यह ऑर्डर सनातनियों को नहीं पता, यह भी कोई जिहादी आपको बताने आएगा? आपको अपने फायदे की भी चीज पता नहीं है, शत्रु का भी पता नहीं है भाई, तो कैसे समझाएं? घर घर जाके समझाने की हमारे पास ताकत नहीं है। इसके लिए मैंने अभी हल्द्वानी के अंदर एक मुहिम शुरू की और आपके यहां आने से पहले कर्नाटक में बीदर में रात के 1 बजे सभा में मैंने कहा, और आपसे विनती करता हूं, आप अगर कहें तो हाथ जोड़ दो, मैं हाथ भी जोड़ने के लिए तैयार हूं कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, क्योंकि वही एक चीज वेरीफाइड है और वेरीफाइड नहीं है, आप अपने शहर में जाएं, पिकनिक पे जाएं, आपको इतनी सेल्फी लेने की आदत है, अच्छी बात है, जहां भी जाएं, मजार आपको, मस्जिद आपको, सड़क पे कहीं नजर आए, कार बराबर में रोकिएगा, उसके साथ बैठ करके एक सेल्फी लीजिएगा, आपकी तस्वीर हो उस मजार की, उस मस्जिद की जो सार्वजनिक स्थलों पे बनी हुई हो, उसकी सेल्फी लेकर के मेरे फेसबुक अकाउंट पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वेरीफाइड पर पोस्ट इसलिए कर दीजिए कि उसी का प्रिंटआउट निकाल करके हमको कोर्ट में जमा करना।